आज फाल्गुनी ने रखा है फिर एक बार रावत परिवार में कदम। जी हाँ, देखिए ये नजारा। जिस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था उसी घर में एक बार फिर लौट कर आई है फाल्गुनी। लेकिन जरा पूरी बात तो सुनिए जनाब। दरअसल लेजर बनकर फाल्गुनी आ पहुंची है रावत परिवार के घर, वो भी मेहमान बनकर खाने पर। जहां लेजर के घर में आते ही घर में लेजर की आवाजें गूंजने लगी हैं, तो वहीं उत्तरा देवी लेजर को देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। जरा मैडम को तो देखिए कैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक कहानी सुनाई जा रही है। वैसे उनकी इन बातों ने सभी का मन भी लगाया हुआ है। एक बार मैं अम्बागांव जा रही थी और मैंने ट्रे तले ट्रैक्टर से लिफ्ट ले ली, आराम से दौड़ी थी ऊपर। तभी जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था ना, उसकी एक मोटी आंटी से ना घिट पिट हो गई। वो आंटी इतनी कष्ट खाती कि काय 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 कौए की तरह बोली जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। अभी आपको दिमाग खड़का कि मैंने सारी की सारी रेत ना उस आंटी के साड़ी और गाड़ी दारों पर डाल दी। चलिए जरा लेजर के पास चलते हैं और जानते हैं कि पहली बार रावत परिवार में आकर कैसा लगा और आपको देख सभी के रिएक्शन कैसे थे। बाकियों का भी खुशी है सब बिल्कुल, लेकिन उत्तरा देवी को छोड़ के वो उनको नहीं, ऑल ऑफ अ सडन उनको लगता है कि ये मेरे घर में कहाँ से आ गई। तो सुरेश बताते हैं कि ये मेरी दोस्त मतलब बन चुकी है और इसको मेरे को पैसे बस वापस करने थे, इसलिए मैंने अपने घर बुलाया था। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ है कि क्यों है, कहाँ है, क्यों आई है ये। जबकि नियति भी बहुत खुश है क्योंकि नियति को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी जीजिमा फिर से आई है घर पे और अपनी सीट पे बैठी है खाने के टेबल पे, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। बाकी सब इंजॉय करें, बाकी सबके लिए मैं एक कार्टून कैरेक्टर हूँ। भाई ये बात बताइए लेजर कि रावत परिवार के घर की मेहमान नवाजी और उनके घर का खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत स्वादिष्ट था क्योंकि ऑब्वियसली रावत का घर है, रावत का लंच हो रहा है तो बहुत ही ग्रैंड होता है वो हमेशा रोज। तो हाँ, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि वाह भाई आपके घर पे तो रोज ही दावत हो रही होती है। तो उसके बाद मैं उनको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी में वो अपनी फर्स्ट मीटिंग सुना देती हूँ उत्तरा देवी को देख देख के कि मैंने कैसे रेत फेंकी थी उनमें ये वो। तो सब बहुत इंजॉय करते हैं, बस उत्तरा देवी को छोड़ के।